नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम था। तो चलिए अब आज हम जो भी बचा हुआ रेमेडी है उसको कोशिश करेंगे कि दिसंबर और जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज हम दोस्तों जो मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं वो है एक मिनरल किंगडम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी, एंटीम क्रूड। ठीक है, एंटीम क्रूड दोस्तों। तो देखिए, कोई भी मेडिसिन पढ़ने से पहले इसका जो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, तो बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, एलन की नोट्स पढ़ते हैं, नेस पढ़ते हैं, इसके दुबे पढ़ते हैं, बहुत सारे राइटर का बुक है, तो वो चीज़ों जो याद करना है उसको तो याद कर लीजिएगा। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक होता है, उस मेडिसिन का जो एक बैकग्राउंड होता है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम एंटीम क्रूड को थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो एंटीम क्रूड को सबसे पहले हम बोलते हैं दोस्तों एंटीमोनियम क्रूडम। क्या बोलते हैं? एंटीमोनियम क्रूडम। ठीक है, एंटीमोनियम क्रूडम। तो एंटीमोनियम क्रूडम जो मेडिसिन है ये मिनरल किंगडम से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? मिनरल किंगडम से। ठीक है, तो मिनरल किंगडम से बिलोंग करने वाला ये मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूडम। ठीक है, तो ये जो होता है सल्फाइड ऑफ एंटीमनी होता है। क्या होता है? सल्फाइड ऑफ एंटीमनी, सल्फाइड ऑफ एंटीमनी। ठीक है, इसका फॉर्मूला है Sb2S3। तो इसी मेडिसिन के बारे में आज हम लोग देखेंगे, इसको सल्फाइड ऑफ एंटीमनी बोलते हैं। तो जब ये मेडिसिन का जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें सबसे ज़रूरी बात जानने के लिए है कि ये मेडिसिन कैसा है, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है या एक्यूट रेमेडी है। तो बता दें कि ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। ठीक है, कैसा है? पॉलीक्रिस्ट रेमेडी। पॉलीक्रिस्ट रेमेडी से क्या मतलब होता है? पॉलीक्रिस्ट रेमेडी का मतलब जो कि ब्रॉड मेडिसिन है, ब्रॉड मेडिसिन जैसे कि जिसका जो यूज है बहुत ही डाइवर्सिफाई है, बहुत सारे ऑर्गन पर इफेक्ट करता है एक साथ। ठीक है, तो इस तरीके का जो मेडिसिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीक्रिस्ट रेमेडी बोलते हैं। क्रॉनिक डिजीज में बहुत ज़्यादा काम आता है और कभी कभार इसको हम एक्यूट में भी, इस तरीके का केस हो, स्किन वगैरह कंप्लेन का केस हो, तो हम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन, तो स्फीयर ऑफ एक्शन, तो सबसे पहले स्फीयर ऑफ एक्शन, ये जो मेडिसिन है जो एंटीमोनियम क्रूडम है, ये कौन कौन से मेन ऑर्गन पर ये अफेक्ट करता है? तो ये हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले ये होता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत बढ़िया एक्ट करता है। ठीक है, दूसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, स्टोमक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये एक जीआई कंप्लेन के लिए, जीआईटी कंप्लेन का या गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में जो जो ऑर्गन होता है उस पर बहुत ही बढ़िया ये एक्ट करता है। तीसरा हमारा स्किन, स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो स्किन पर भी एंटीम क्रूड का बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देख सकते हैं, प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो हम आज मेडिसिन एंटीम क्रूडम देख रहे हैं, इसके बारे में जो भी थोड़ा बहुत जानकारी हम आपको बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं, कि ये ज़्यादातर हम जो भी चीज़ कंटेंट है मेरा, ये एलन की नोट्स का है। ठीक है, एलन के बुक से है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास, मैक्सिमम व्यूअर के पास जो कि बहुत ही जनरल बुक होता है वो एलन की नोट्स ही होता है। ठीक है, तो हम एलन की नोट्स को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो एंटीम क्रूडम का कंस्टिट्यूशन होता है, जो पेशेंट का कंस्टिट्यूशन वो कैसा होता है, तो इसके एंटीम क्रूडम के हम कंस्टिट्यूशन की बात करते हैं।
कंस्टिट्यूशन। ठीक है, कंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कंस्टिट्यूशन का मतलब कि जब पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है, जब आपके चैम्बर में आता है, तो आप उसको देख के, फिजिकली देख के आप कैसे समझेंगे, क्या रिजल्ट निकालेंगे एंटीक्रूडम का पेशेंट जो होता है कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो इसका चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन के बारे में बात करते हैं, चिल्ड्रेन या फिर जो भी यंग पीपल होता है, इंक्लाइन टू ग्रो फैट, मतलब वो पूरे तरीके से मोटा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा खाएगा तो और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा मोटा हो सकता है। ठीक है, पूरी तरीके से मोटा नहीं होता है, थोड़ा मोटे और पतले के बीच का होता है। ठीक है, तो इसको हम कैटेगरी में रखते हैं इंक्लाइन टू ग्रो फैट। तो चलिए लिखते हैं इस बात को, चिल्ड्रेन यंग पीपल इंक्लाइंड टू ग्रो फैट फॉर एक्सट्रीम ऑफ लाइफ, फॉर एक्सट्रीम ऑफ लाइफ। फॉर एक्सट्रीम ऑफ लाइफ से क्या मतलब होता है दोस्तों? फॉर कहीं पे भी लिखा हुआ है, एंड ये फॉर एक्सट्रीम ऑफ द लाइफ ये आपको मिल जाएगा एलन की नोट्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो लाइफ का एक्सट्रीम पार्ट कौन सा होता है, या तो वो चिल्ड्रन स्टेज होता है, बिल्कुल जब बच्चा होता है, वो एक इनिशियल फेज ऑफ द लाइफ है, और जो ओल्ड एज पर्सन जो है, जैसे कि बूढ़े लोग, वो भी एक लाइफ के एक्सट्रीम पार्ट पे हैं। तो ये दोनों जो है एक्सट्रीम ऑफ लाइफ में आएंगे। तो यहाँ पे चिल्ड्रन हो गया, ये एक्सट्रीम ऑफ लाइफ का एक पार्ट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो ओल्ड एज पीपल है, ओल्ड पीपल में क्या होता है, मॉर्निंग डायरिया होता है। ठीक है, या अल्टरनेट डायरिया विथ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो ओल्ड पीपल में आपको क्या देखने के लिए मिल सकता है, एंटीम क्रूड में ओल्ड पीपल में, ओल्ड पीपल मॉर्निंग डायरिया। ठीक है, मॉर्निंग डायरिया। इसके बाद ओल्ड पीपल में ही मॉर्निंग डायरिया या फिर अल्टरनेट डायरिया विथ कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेट डायरिया विथ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, यानी कि कभी उसको डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा। तो आप यहाँ पे देखने और समझने की कोशिश कीजिए कि एक तो यहाँ पे हो गया चिल्ड्रन, और दूसरा क्या हो गया, ओल्ड पीपल। ये चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल जो है, ये एक्सट्रीम ऑफ लाइफ में आते हैं, यानी लाइफ के, लाइफ जो है मतलब एज है उसके, कोई इनिशियल स्टेज में जो कि चिल्ड्रन होता है, और लास्ट स्टेज में ओल्ड पीपल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पेशेंट आएगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, एक बात, दो बात ये हो गया, तीसरा बात जो पेशेंट आएगा वो आपको ये बताएगा कि कभी भी, मतलब जो एंटीम क्रूड का पेशेंट होता है, इजीली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, यदि बहुत तेज ठंडा और बहुत तेज गर्म से बहुत इजीली अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, एंटीम क्रूड पेशेंट, एंटीम क्रूड पेशेंट इजली अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट हो जाता है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड कोल्ड। ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी से वो इजली अफेक्ट होता है। तो इजली क्या इफेक्ट होता है, क्या चीज़ हो जाता है उसको, ज़्यादा गर्मी या फिर ज़्यादा सर्दी से, तो उसको हेडक हो सकता है, जीआई कॉम्प्लेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सब आपको हो सकता है एंटीम क्रूड जो होता है, इसलिए अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पे जो एंटीम क्रूड मेडिसिन है, इसका मेंटल सिम्टम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम आपको ये बता दें कि मेंटल सिम्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो इसका माइंड है पेशेंट का। देखिए, होम्योपैथिक में क्या है कि जो बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ फिजिकल सिम्टम पे या जो सिम्टम दिखाई देता है उसके बेसिस पर मेडिसिन दे देते हैं, और फिर वो
डिजीज क्योर नहीं होता है तो फिर बोलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क नहीं करता है। लेकिन ये बिल्कुल सब ऐसा नहीं होना चाहिए। होम्योपैथिक जो होता है, कोई भी मेडिसिन प्रूफ होता है, इसमें माइंड सिम्टम या जो मेंटल सिम्टम है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये एक हेल्दी ह्यूमन बींग पर प्रूफ होता है, और उसमें जब प्रूविंग के बाद वो पेशेंट का हम लोग क्या लेते हैं, प्रूविंग में माइंड सिम्टम लेते हैं। वो पेशेंट वो मेडिसिन देने के बाद वो उस पर कैसा एक्ट किया, तो उसका जो माइंड सिम्टम है कैसा है, मेंटल क्या सोचता है, किस वीपिंग डिस्पोजिशन का है, चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, ठीक है, या बहुत तरीके की बात है। तो इसलिए जो मेंटल सिम्टम होता है खासकर पॉलीक्रिस्ट रेमेडी में अच्छे तरीके से समझना चाहिए और इसको देखना चाहिए। तो चलिए इसकी बात करते हैं, एंटीम क्रूड के जो मेंटल सिम्टम है इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव। बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव से मतलब क्या है, या लव ही नहीं, देखिए कोई भी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कि जो पेशेंट है वो किसी पास्ट होगा, उसका पास्ट में अपना पर्सनल लाइफ है जो भी, तो किसी से प्यार करता था, ठीक है, और कोई कारण बस वो सब चीज़ छूट गया या ख़त्म हो गया, तो उन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा पेशेंट याद करता है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा उदास रहता है, निराश रहता है, सोचता है कि अब हमारा क्या होगा, वो मुझे क्यों छोड़ के चली गई, तो इस तरीके का होता है। इसका प्रभाव जो पेशेंट पे है दोस्तों बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए ये एक एलन की नोट्स में एक लाइन लिखा हुआ है, बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव, ठीक है, एक तो बात हो गया बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव, जिसके वजह से ये क्या सोचता है, इसका जीवन जो है ये बर्बाद हो गया है, अपने जीवन से घृणा करने लगता है, बोलता है कि अब मेरा जो लाइफ है कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे एलन की नोट्स लिखता है लोदिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी कि पेशेंट अपने जीवन से ही क्या करने लगता है, घृणा करने लगता है, ठीक है, किसके वजह से, कि डिसअपॉइंटेड लव के वजह से उसका बुरा प्रभाव है उसके ऊपर, जिसके वजह से वो अपने क्या बोलता है कि जो मेरा जीवन है वो बर्बाद हो गया। और फिर इसके बारे में और ये ज़्यादा जो पेशेंट है ये ज़्यादा सेंटी मूड में कब आ जाता है, सेंटिमेंटल मूड होता है जब मूनलाइट में, पूर्णिमा के दिन, जो पूर्णिमा दिन होता है जिस दिन फुल मून होता है, चंद्रमा जिस दिन पूरा होता है, उस दिन और ये ज़्यादा पेशेंट बिल्कुल क्या हो जाता है, सेंटी हो जाता है, सेंटिमेंटल मूड हो जाता है। अब सेंटिमेंटल मूड होता है, इसका कारण डिसअपॉइंटेड लव हो सकता है दोस्तों, या फिर कोई पुराना दोस्त है, पुराना घर है, या पुराना परिवार है, उसके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा ये पेशेंट निराश रहता है, अपने मतलब पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। हो सकता है कि वो कहीं शहर में रहता हो और अपने गांव के बारे में याद आता है कि हम छोटे थे वहां ऐसे खेलते थे, वैसे खेलते थे, वहां पढ़ने जाते थे, और अभी वो फिलहाल शहर में रहता है। तो वो जब भी पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा का रात होता है, चंद्रमा के मून फुल मून लाइट में, वो आके अपने को बहुत ज़्यादा निराश होता है और अपने पास्ट को, अपनी बीती हुई जीवन को याद करता है। तो ये होता है दोस्तों एंटीम क्रूड का माइंड का ऐसा सिम्टम होता है। पहला क्या बोले कि बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव, लोदिंग ऑफ लाइफ, सेंटिमेंटल मूड इन मून लाइट स्पेशली। बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव हो गया और लोथिंग लाइफ हो गया, और इसके बाद हम बताएं कि सेंटिमेंटल मूड इन मूनलाइट, ठीक है, स्पेशली अबाउट एक्स्टैटिक एंड एग्जाल्टेड लव, ठीक है। अब जो पेशेंट है, जो एंटीम क्रूड का इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, हम पहले ही बताएं कि सेंटी हो जाता है, सेंटिमेंटल मूड हो जाता है, किसमें, मूनलाइट में, किसके बारे में सोच के, तो अपने पास्ट के बारे में सोच के, अपने लव के बारे में सोच के, और क्या होता है, बिल्कुल मगन हो जाता है। मगन होने का मतलब अपने जो पास्ट है उसमें बिल्कुल खो जाता है, बिल्कुल इमोशनल हो जाता है और आनंद लेता है, उस चीज़ को इंजॉय करता है, सोचता है कि क्या वो दिन थे। ऐसा नहीं होता, बहुत लोग एज होने के बाद अपनी जवानी के दिन याद करते हैं या अपने बचपन के दिन याद करते हैं कि कितना क्या वो समय था, क्या वो जिंदगी था, हम वहाँ गए थे, हम वैसे खेले थे और उसके साथ रहे थे, इतने दिन हम उनके साथ समय बिताए हैं। तो ऐसी ऐसी बातों को सोच के वो जो पेशेंट है वो बिल्कुल सेंटी हो जाता है दोस्तों मूनलाइट में। इसको बोलते हैं सेंटिमेंटल मूड इन
मून लाइट स्पेशली थिंक अबाउट एक्स्टैटिक एंड एग्जाल्टेड लव, ठीक है, वो अपना जो पास्ट का लव है उसके उसमें बिल्कुल खो जाता है, बिल्कुल आनंदित रहता है, उसमें मगन हो जाना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको सेंटीमेंटल मूड इन मूनलाइट स्पेशली अबाउट, किसके लिए, अबाउट एक्स्टैटिक एंड एग्जाल्टेड लव, ठीक है। एक्स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एक्स्टैटिक का मतलब होता है खो जाने वाला, मगन करने वाला, जिसकी वजह से बिल्कुल वो आनंदित हो जाता है, ठीक है। और एग्जाल्टेड का मतलब वो अपने लव पे, अपने पास्ट पे सोच के बहुत प्राउड फील करता है, तो इसका एग्जाल्टेड का मतलब होता है प्राउडनेस होता है, ठीक है। और एक्स्टैटिक का मतलब होता है आनंद होने, खो जाना उसमें, तो इसको बोल सकते हैं आनंदित रहने वाला, ठीक है, उसको इंजॉय करता है, आनंदित हो जाना, ठीक है, आनंदित हो जाना। तो इस तरीके का इसका जो थॉट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि चिंतित भी रहता है, एंग्जियस होता है, लैक्राइमोज मूड, ठीक है। लैक्राइमोज मूड का मतलब क्या होता है कि लैक्राइमोज मूड का मतलब होता है कि छोटी छोटी बातों पर भी रोने वाला, ठीक है, छोटी बातों पर भी वो क्या हो जाता है, उसके आंखों से आंसू आ जाता है, अपने किसको याद करके, अपने पास्ट को याद करके, अपने डिसअपॉइंटेड लव को याद करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंग्जियस रहता है यानी कि चिंतित रहता है, ठीक है, लैक्राइमोज मूड, लैक्राइमोज मूड, लैक्राइमोज मूड का मतलब क्या हो गया, वीपिंग डिस्पोजिशन बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल है, लैक्राइमोज का मतलब ही हो गया इमोशनल, ठीक है। द स्लाइटेस्ट थिंग अफेक्ट हर, उसको छोटी छोटी बात से भी परेशानी है, इतना ज़्यादा वो क्या हो गया है, इमोशनल हो गया है, सुसाइड बाई ड्रॉनिंग। और फिर जब अपने पास्ट के बारे में, अपने लव के बारे में सोच के वो क्या चाहता है कि हम इससे अच्छा मरने, जिंदा रहने से अच्छा क्या कि हम सुसाइड कर लें। स्टार्टिंग में ही बताएं आपको कि लोदिंग ऑफ लाइफ, ये पेशेंट अपने लाइफ से ही, इसको जिंदगी से ही प्यार नहीं है, तो ये क्या चाहता है कि हम डूब के मर जाए। मरना कैसे चाहता है, डूब के, सुसाइड बाय ड्रॉनिंग, सुसाइड बाय ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग मतलब डूब के मरना। फिर अब देखिए, इरेजिस्टिबल डिजायर टू टॉक इन राइम्स और रिपीट द वर्सेस, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये एंटीम क्रूट का ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंटल या फिर गाइडिंग सिम्टम है कि जब भी एंटीम क्रूट का इंडिविजुअल या एंटीम क्रूट का पेशेंट आपसे बात करेगा तो वो राइम्स में बात करेगा। राइम्स का, राइम्स में बात करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप उसका नाम पूछें कि आपका नाम क्या है, तो वो क्या आंसर करेगा, मेरा नाम सूरज है, ऐसे बोलेगा वो। नॉर्मली लोग क्या पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आंसर करता है कि मेरा नाम सूरज है। और जो एंटीम क्रूट का इंडिविजुअल है या पर्सन है वो बोलेगा कि मेरा नाम सूरज है, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं इरेजिस्टिबल डिजायर टू टॉक इन राइम्स, यानी कि बातों को कविता जैसा बोलता है या कुछ लिखता होगा कविता जैसा। बहुत लोग होते हैं कि लिखने की चाह होती है, कविता पोएट्री टाइप के भी लिखते हैं, या वो जब बात करेगा तो राइम्स में बात करेगा या फिर अपने कहे हुए बातों को बार बार दोहराता है, रिपीट द वर्सेस, इरेजिस्टिबल डिजायर टू टॉक इन राइम्स एंड रिपीट द वर्सेस, अपने बातों को ही बार बार रिपीट करता है। जैसे कोई उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलेगा मेरा नाम सूरज है, इस तरीके से। अब बात करते हैं एंटीम क्रूट का जो बच्चा होता है उसका माइंड कैसा होता है।
ठीक है। तो जो इसका एंटीम क्रूट का बच्चा होता है बिल्कुल चिड़चिड़ा होता है, फ्रेटफुल होता है, गुस्सैल टाइप का होता है, ठीक है, जिसको पीबीस बोलते हैं, जिद्दी, ठीक है। तो चाइल्ड इज फ्रेटफुल एंड पीबीस, कैन नॉट बियर टू टच और लुक्ड एट, वो बिल्कुल बच्चा जो होता है बिल्कुल नहीं चाहता कि उसको कोई छुए या उसके तरफ देखे, इतना जिद्दी होता है बच्चा, देखने पर भी रोने लगता है, छूने की तो दूर की बात है, कोई उसके तरफ देख भी लिया तो रोना शुरू कर दिया, ठीक है। तो चाइल्ड कैसा होता है, चाइल्ड इज फ्रेटफुल पीबीस, पीबीस का मतलब क्या होता है, रोने वाला, चिड़चिड़ा, कैन नॉट बियर टू टच्ड और लुक्ड एट, यानी कि उसके तरफ कोई देखे भी नहीं, देखने पर भी उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद ये जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उससे कोई बात करे या वो कुछ बोले, मतलब कि वो खुद भी नहीं बोलना चाहता है और ये भी नहीं चाहता है कि उससे कोई बात करे, तो डज नॉट विश टू स्पीक और टू बी स्पोकन टू, डजंट विश टू स्पीक और बी स्पोकन टू, ठीक है। वो खुद ही कुछ नहीं बोलना चाहता है और ये भी नहीं चाहता कि उससे कोई बात करे। फिर देखिए दोस्तों, एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, मतलब थोड़ा सा भी उस बच्चे को अटेंशन दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, जानबूझ के गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इतना बदमाश बच्चा होता है, बिल्कुल जिद्दी होता है, गुस्सैल होता है, देखने पर भी रोने लगता है, छूने पर भी रोने लगता है, वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता है और ये भी नहीं चाहता कि उससे कोई बात करे, ठीक है। तो एंग्री एट, कब एंग्री होता है, एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, ठीक है। कोई उसके तरफ देख लिया, कोई बोल दिया, फिर भी वो गुस्सा हो जाएगा, इस तरीके का बिल्कुल चिड़चिड़ा बच्चा होता है। तो ये हो गया एंटीमक्रूट का माइंड का मेंटल सिम्टम, ये इधर हो गया चाइल्ड और इधर हो गया यहाँ से यहाँ तक इंडिविजुअल नॉर्मल पर्सन जो है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल सिम्टम की। चलिए अब इसका जो फिजिकल सिम्टम है दोस्तों, जो इसका फिजिकल जनरल सिम्टम है उसके बारे में बात करते हैं और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेंटल सिम्टम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो हम स्टार्टिंग में ही बताएं कि वेरी एक्सट्रीम सेंसिटिव टू कोल्ड और हीट, हीट और कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव होता है। तो देखते हैं इसमें सेंसिटिव टू कोल्ड, कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें एग्रेवेशन होता है, ये एग्रेवेशन का साइन है, पता है आपको, एग्रेवेशन आफ्टर ईटिंग, सॉरी आफ्टर टेकिंग कोल्ड, आफ्टर टेकिंग कोल्ड या कोल्ड बाथिंग, नहा लेता है ठंडे पानी से तब भी जाके इसको एग्रेवेशन हो सकता है या इसका प्रॉब्लम बढ़ सकता है। उसके बाद एवर्सन फ्रॉम कोल्ड बाथिंग, नहाना नहीं चाहता, ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं नहाना चाहेगा ये, ठीक है। जो इसका बच्चा होता है वो ठंडे पानी से नहाने के बाद रोने लगता है, चाइल्ड क्राइज व्हेन वॉश और बाथ विथ कोल्ड वाटर, चाइल्ड क्राइज व्हेन बाथ और वॉश्ड विथ कोल्ड वाटर, जब भी उसको ठंडे पानी से नहलाया जाएगा या फिर ठंडे पानी के कांटेक्ट में आता है, उसका हाथ पैर कोई धो देता है जबरदस्ती पकड़ के, तो बिल्कुल बच्चा रोने लगता है, ठीक है। अब रोने क्या लगता है, उसके वजह से उसको हेडक भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पेशेंट को, एंटीम क्रूड को
बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है ठंडे पानी से, एक्सट्रीम कोल्ड से, ठंडे पानी से नहाने से, ठीक है। तो जिसके वजह से एग्रीवेशन हो सकता है, एग्रीवेशन में मतलब क्या हो सकता है उसको, ठंडे पानी की वजह से क्या हो सकता है, वायलेंट हेडक हो सकता है, ठीक है, वायलेंट हेडक हो सकता है, ठीक है। मेंस फीमेल में सप्रेस मेंस, ठीक है, सप्रेस्ड मेंस, जो फीमेल का मेंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी ब्लीडिंग फेज है वो स्टॉप हो सकता है, ठीक है। कोल्ड के वजह से, किसी को कोल्ड के वजह से ठंड लग गया, और ठंड लग गया उसका मेंस सप्रेस हो गया, वायलेंट हेडक हो गया, ठीक है। तो उस केस में वायलेंट फीवर हो गया, उस केस में आप क्या दे सकते हैं, उस केस में हम एंटीन क्रूड दे सकते हैं, ड्यू टू कोल्ड बाथिंग, एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंडा पानी से नहा लिया, या फिर रिवर में चला गया, ठीक है, उसके वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा इसमें देखते हैं, कैन नॉट बियर द हीट ऑफ सन। अब देखिए, ये सन के हीट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, गर्मी का मौसम भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वर्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन इन द सन। इसको ज़्यादा ठंडे से भी प्रॉब्लम है और ज़्यादा गर्मी से भी प्रॉब्लम है, ना ही ये ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकता है और ना ही ज़्यादा ये गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। तो कैन नॉट बियर द हीट ऑफ सन, और जो इसका एग्रीवेशन है, फ्रॉम एग्रीवेशन फ्रॉम ओवर हीटिंग, ओवर हीटेड, ठीक है, नियर द फायर, नियर द फायर। मान लीजिए गर्मी के दिनों में, या फिर बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि चूल्हे के पास, भट्टी के पास काम करते हैं, वहाँ रहते हैं, जिसके वजह से हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके वजह से उसको हेडक हो रहा है, कफिंग हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में भी हम दे सकते हैं। आप सीधा सीधा फिजिकल में समझ सकते हैं कि जो एंटीन क्रूड का पेशेंट होता है उसको एवर्जन टू कोल्ड एंड हीट दोनों होता है, ठीक है, ज़्यादा ठंडा बर्दाश्त नहीं कर सकता है और ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसके बाद इसमें ये वार्म वेदर को टॉलरेट नहीं कर सकता है, इसको एग्रेवेशन होता है, एग्रेवेशन फ्रॉम वार्म वेदर, ठीक है, गर्म गर्मी का मौसम से, या फिर सन बर्न, गर्मी का दिन है, ठीक है। बहुत लोग होता है कि गर्मी के दिन है, धूप से आया बाहर से, और जिसकी वजह से वॉमिटिंग होने लगा, हेडक होने लगा, तो उस केस में एंटीम क्रूड दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम करता है, ठीक है। तो उस केस में भी आप इसको दे सकते हैं। और है उसके बाद इसमें मान लीजिए ठंड लग गया किसी को, कोल्ड फ्रॉम स्विमिंग, ठीक है, रिवर स्विमिंग किया, या फिर और फॉलिंग इनटू वाटर, पानी में गिर गया, पानी में गिरने की वजह से, या कूद गया जिसके वजह से मतलब उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग गया, तो कोल्ड फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू वाटर, वाटर और रिवर बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका है फिजिकल जनरल सिम्टम, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एक एक करके, हेड से शुरू करते हैं। हेड में जो इसका कंप्लेन होगा क्या हो सकता है, हेडक, सिंपली है। तो हेडक फ्रॉम किससे हेडक हो सकता है, रिवर बाथिंग से हो सकता है, फ्रॉम टेकिंग कोल्ड एल्कोहलिक ड्रिंक से हो सकता है, डी अरेंज डाइजेशन, ठीक है, पेट खराब है जिसकी वजह से भी इसको हेडक हो सकता है, फैटी फूड ले लिया है, फ्रूट खा लिया है, एसिडिक फ्रूट खा लिया, जिसकी वजह से इसको क्या हो सकता है, हेडक हो सकता है। यानी कि एसिडिक फ्रूट खाने से, या फिर इसका पहले से ही मतलब डायरिया है उसमें भी हेडक हो सकता है, ठीक है, या डी अरेंज डाइजेशन जिसकी वजह से इसको हेडक हो सकता है। तो हेडक फ्रॉम किसकी वजह से हेडक हो रहा है दोस्तों इसको, रिवर बाथिंग, रिवर या फिर कोल्ड बाथिंग से इसको, ठीक है, टेकिंग कोल्ड, ठंडा कुछ ले लिया, टेकिंग कोल्ड, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक ही ले लिया,
जिसकी वजह से इसको हेडक हो सकता है। अल्कोहलिक ड्रिंक से भी हो सकता है, अल्कोहलिक ड्रिंक से भी हो सकता है। और क्या बताएं, डी अरेंज डाइजेशन से भी इसको हेडक हो सकता है, डी अरेंज डाइजेशन हो सकता है जिसकी वजह से इसको हेडक हो सकता है। और क्या, एसिडिक फ्रूट खा लिया, एसिडिक फ्रूट खा लिया जैसे कि नींबू हो गया, मतलब संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ठीक है, तो उसके वजह से भी इसको हेडक हो सकता है। अब इसके बात करते हैं थ्रोट के बारे में कि जो इसमें म्यूकस रिलीज होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा म्यूकस रिलीज होता है, ठीक है। तो थ्रोट में हम देखते हैं म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटी व्हेन हॉकिंग, जब वो खांसता है, जब कफ करता है, तो उस समय बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में क्या रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में म्यूकस रिलीज होता है, क्वांटिटी फ्रॉम हॉकिंग। जब हॉकिंग करता है तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में क्या रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका जीआई कंप्लेन। स्टार्टिंग में ही बताएं कि इंटेस्टाइन और स्टोमक पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है, स्फीयर ऑफ एक्शन एंटीमिक्रोबियल का बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलिए इसके जीआई कंप्लेन को हम समझते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल देखते हैं तो जीआई कंप्लेन में क्या क्या है। तो सबसे पहले जीआई कंप्लेन किसके वजह से हो सकता है, जो इसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, जैसा कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ड्यू टू ओवर ईटिंग से, ज़्यादा खाना खा लिया, ब्रेड से हो सकता है, पेस्ट्री से हो सकता है, एसिडिक फूड से हो सकता है, पिकल हो गया, विनेगर हो गया, या आफ्टर टेकिंग कोल्ड, ठंडा लेने से, या कोल्ड बाथिंग से हो सकता है, ओवर ईटिंग से हो सकता है, या ओवर हीटिंग से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सारी चीज़ों को, बार बार एक ही बात को बोलना पड़ रहा है, जी आई कंप्लेंस फ्रॉम किस किस से हो सकता है, पहला ओवर ईटिंग से हो सकता है, ठीक है, और ब्रेड से हो सकता है, पेस्ट्री से हो सकता है, एसिडिक फूड में क्या आ जाएगा, विनेगर आएगा, विनेगर जिसको सिरका बोलते हैं, पिकल आ जाएगा, पिकल्स, ठीक है, बैड वाइन के वजह से भी इसको जीआई कंप्लेन इसका हो सकता है, आफ्टर कोल्ड ड्रिंक की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोल्ड बाथिंग के वजह से भी हो सकता है, ठीक है, नहाने के बाद भी इसको डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसके बाद आफ्टर ओवर हीट से भी हो सकता है, ओवर हीट से, जैसे कि बहुत लोग हैं, बहुत एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर होते हैं, जो कि हमेशा चूल्हे के पास काम करते हैं, भट्टी के पास काम करते हैं, तो उनमें पूछिएगा, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है ना, कि कहाँ आप काम करते हैं, कहाँ बिजनेस करते हैं, तो वो बताएगा कि हम हमेशा चूल्हे के पास या भट्टी के पास खड़े रहते हैं, तो उनमें कॉन्स्टिपेशन होगा या उनमें डायरिया होगा, ठीक है, तो उस केस में आप एंटीमिक्रोबियल दे सकते हैं आफ्टर ओवर हीट या फिर रेडिएटिंग हीट समझते हैं, रेडिएटिंग हीट वही मतलब भट्टी वाला जो गर्मी होता है, जो कि एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, तो रेडिएटिंग हीट के वजह से जिसको प्रॉब्लम जी आई कंप्लेन हो सकता है। उसके बाद दोस्तों इसमें बात करते हैं, जो इसका पेशेंट होता है, इसमें कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस का मतलब क्या होता है, हमेशा इससे बॉडी से गैस पास होते रहता है, गैस पास होने का मतलब क्या, जैसे कि बेल्चिंग, ढकाराना, और फ्लैटस पास होता है नीचे से, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस अप एंड डाउन एज इट इज लाइन लिखा हुआ है, किसमें, एलन की नोट्स में। तो क्यों डिस्चार्ज हो रहा है, कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस क्यों डिस्चार्ज हो रहा है कॉन्स्टेंट, ड्यू टू किसके वजह से, इसके कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के वजह से, इसके पेट में हमेशा गैस भी बना रहता है,
तो कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ द फ्लैटस पेशेंट से पूछेगा तो बताएगा कि हमेशा ज़्यादा ढका रहता है और फ्लैटस निकलता है। तो कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस अप एंड डाउन, अप एंड डाउन फॉर ईयर्स, बहुत दिनों से, हमेशा मतलब फॉर ईयर्स, सालों से, ठीक है, ये क्रॉनिक है। और बेल्चिंग ऑफ टेस्टा, बेल्चिंग ऑफ टेस्टा का मतलब क्या होता है? बेल्चिंग ऑफ टेस्टा, बेल्चिंग ऑफ टेस्टा से मतलब है दोस्तों कि जब भी ये इसको ढका रहता है, जब भी ढका रहता है तो उसमें जो भी खाना खाया है उसका टेस्ट आ जाता है। जब कोई ढका रहता है तो नहीं, ओवर ईटिंग के बाद क्या होता है, जब कोई ढका लेता है तो जो भी खाना खाया है तो उसके जो कंटेंट है, फूड कंटेंट है, वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेल्चिंग ऑफ टेस्टा। अब आइए दोस्तों इसका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी देखते हैं कि रेस्पिरेटरी में क्या है। लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम ओवरहीट, ओवरहीट के वजह से इसका वॉइस लॉस हो गया। तो किसी का, किसी पेशेंट या नॉर्मली कहीं पे भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से चूल्हे के पास खड़ा है या भट्टी में काम कर रहा है, जिसकी वजह से, या अचानक ओवरहीट के वजह से भी वॉइस लॉस हो गया, तो उसमें हम क्या दे सकते हैं? एंटीग्रूप दे सकते हैं। तो लॉस, यहाँ पहला लिखते हैं लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम ओवर हीटेड, ठीक है। दूसरा जो इसका वूपिंग कफ है, वूपिंग कफ का मतलब क्या होता है? काली खांसी, जोर जोर से कोई खांसता है ना उसको बोलते हैं वूपिंग कफ, वूपिंग कफ। तो हुपिंग कफ किसके वजह से हो सकता है? एग्रेवेटेड फ्रॉम वार्म रूम में, गर्म बताया तो गर्मी से और ठंडे दोनों से इसको प्रॉब्लम है ना, तो वार्म रूम में हो सकता है, कोल्ड बाथिंग के वजह से भी हो सकता है हुपिंग कफ, सन के वजह से हो सकता है, सन बर्न जिसको बोलते हैं, ठीक है, गर्मी के दिनों में, तो इन सबों के वजह से इसको दोस्तों हुपिंग कफ हो सकता है। अब हम लास्ट सिम्टम पढ़ते हैं, एक्सट्रीम एक्सट्रीमिटीज एंड स्किन के बारे में। जो भी बॉडी का एक्सट्रीमिटीज़ है, बॉडी का एक्सट्रीमिटीज़ क्या है? जैसे कि डिजिट, जिसको हम फिंगर बोलते हैं, फिंगर पे क्या होता है, फिंगर के नीचे सोल होता है, फीट होता है, तो वो सब उनकी बात हम करते हैं। तो एक ही साथ लेके चलते हैं एक्सट्रीमिटीज एंड स्किन, एक्सट्रीमिटीज एंड स्किन सिम्टम एक ही साथ लेके चलते हैं एंटीमक्रूट का। तो ये भी जितना पढ़ाएं, जितना अभी हम लोग पढ़ें, उसमें भी ये स्किन और एक्सट्रीमिटीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपको पेशेंट, जब आप देखिएगा पेशेंट को आप ऊपर से, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, इसलिए ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। लार्ज हॉर्नी कॉर्न ऑन द सोल, जो उसका पेशेंट का पैर के नीचे का जो तलवा है, सोल है, उस पर आपको हॉर्नी कॉर्न दिख सकता है। हॉर्नी कॉर्न का मतलब हार्ड कॉर्न, जो भी कॉर्न बना है, जो भी गांठ बना है, वो बिल्कुल हार्ड है, ठीक है। और वेरी सेंसिटिव टू मूवमेंट, जब बेचारा, जब भी पेशेंट वो मूव करता है, मूवमेंट करता है, चलता है, वॉकिंग करता है, मेनली स्टोन पेवमेंट पर, पत्थर की जो सीढ़ी होता है उस पर, या फिर कहीं पर भी, तो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होता है, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उस हॉर्नी कॉर्न के वजह से, ठीक है। तो लार्ज हॉर्नी कॉर्न ऑन द सोल, लार्ज हॉर्नी कॉर्न ऑन सोल्स ऑफ फीट, जो पांव का तलवा है उस पर क्या प्रेजेंट है? उस पर लार्ज हॉर्नी कॉर्न प्रेजेंट है, जिसके वजह से वो क्या है? वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव व्हेन, कहाँ पे? वॉकिंग ऑन स्टोन पेवमेंट, स्टोन पेवमेंट, जब भी वो पत्थर वाले या फिर पत्थर पे बने चीज़, जहाँ पे भी जाता है, कहीं पे भी, तो पत्थर का कोई चीज़ बना हुआ है तो उस पे इजली वो वॉक नहीं कर सकता है। क्यों नहीं वॉक कर सकता है? ड्यू टू लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स ऑन सोल्स ऑफ द फीट, क्योंकि उसके पैर के तलवे में क्या प्रेजेंट है? हॉर्नी कॉर्न बन गया है। उसके बाद दोस्तों ये तो पहला हो गया, दूसरा हम देखते हैं नॉस्ट्रिल एंड लेबियल कमिसर में इसका आप क्रस्ट देख सकते हैं।
ठीक है, क्रैक देख सकते हैं। तो नॉस्ट्रिल क्या होता है? नॉस्ट्रिल्स एंड लेबिया कमीसर, लेबियल कमीसर एज इट इज, ये एलन का लाइन है ठीक है। लेबियल कमीसर सोर क्रैक होता है, क्रैक एंड क्रस्टी, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा जरा ध्यान से। जो नॉस्ट्रिल है, जो नाक है, अपर सॉरी जो नेयर्स है, जिसको एक्सटर्नल नेयर्स, जो कि पिन्ना, जिसको सॉरी पिन्ना बोल रहे हैं, जो कि जिसको नाक बोलते हैं हम लोग, नॉस्ट्रिल उसी को बोलते हैं। और लेबियल कमीसर का मतलब होता है जो अपर लिप्स है और नोज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब ऊपर वाले होठ और नाक के बीच का जो थोड़ा सा बिल्कुल गैप है, उस गैप में आपको क्या दिख सकता है? वहां पे क्रैक दिख सकता है ठीक है। और क्रस्टी मतलब बिल्कुल फटा हुआ, समझते हैं, मतलब झुर्रियां धारियां दिख सकती है, या फिर वहां पे इचिंग होगा, खुजली होगा, मतलब कोई भी स्किन इरप्शन होगा कहाँ पे? लेबियल कमीसर पे, और उसके नॉस्ट्रिल पे, और जिसकी वजह से वहां पे सोरनेस होगा, उसके वजह से वहां पे प्रॉब्लम होगा, कंप्लेन होगा, पेन होगा वहां पे नॉस्ट्रिल और उसके लेबियल कमीसर पे। आप सीधा सीधा पेशेंट को देख सकते हैं कि वहां पे स्किन इरप्शन है कहाँ पे? नॉस्ट्रिल पे, और उसके नॉस्ट्रिल और जो अपर लिप्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस, जिसको हम लेबियल कमीसर बोलते हैं। तो लेबियल कमीसर किसको बोलते हैं? जो नॉस्ट्रिल नाक और होंठ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस है, उस स्पेस को बोलते हैं लेबियल कमीसर। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लेबियल कमीसर किसको बोलते हैं? स्पेस बिटवीन अपर लिप एंड नोज ठीक है। तो उसमें वहां पे क्रैक दिखेगा और क्रस्टी होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो इसका स्किन होगा कैसा होगा? रफ स्किन होगा ठीक है, रफ स्किन, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन ठीक है। रफ भी होगा, क्यों रफ होगा? क्योंकि स्किन के ऊपर एबनॉर्मल ग्रोथ है। तो यहां पे हम लिखेंगे रफ स्किन, एबनॉर्मल ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑन स्किन। इसलिए दोस्तों हम बोले ना कि इसका स्किन सिम्टम और एक्सट्रीमिटी सिम्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके फिंगर के नेल का। पहली बात, जो इसका नेल है वो जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करता है ठीक है। फिंगर नेल डू नॉट ग्रो रैपिडली, तेजी से ग्रो नहीं करता है, और जब ग्रो भी करेगा तो स्प्लिट लाइक होगा, मतलब कि जब भी उसको कोई नेल कटर से काटेगा ना, नेल कटर से कटेगा वो, तो बिल्कुल स्प्लिट हो जाएगा। जैसे ये नाखून क्या है, ये काटने के बाद बिल्कुल प्लेन हो गया, चिकना हो गया, तो स्मूथ हो गया, वो स्मूथ नहीं होगा, रफ होगा। आप स्प्लिट नेल देखिएगा, जनरली लोगों का जो पैर का नाखून होता है वो स्प्लिट नेल देख सकते हैं पैर के नाखून में ठीक है। तो वो फिंगर नेल्स में भी, हाथ के जो नाखून है उसमें भी उसको स्प्लिट नेल दिख सकता है ठीक है। तो फिंगर नेल्स डू नॉट ग्रो रैपिडली, तेजी से वो पहले तो ग्रो नहीं करेगा, डू नॉट ग्रो रैपिडली ठीक है। उसके बाद जो नेल जब ग्रो भी करेगा तो कैसा होगा? क्रश नेल होगा, क्रश नेल ग्रो इन स्प्लिट लाइक, क्रश्ड नेल्स ग्रो इन स्प्लिट, टूट टूट के ग्रो करेगा ठीक है, बाइफर्केटेड हो जाएगा, ग्रो करेगा और बाइफर्केट हो जाएगा, अलग अलग मतलब बिखर जाएगा नाखून ठीक है। उसको बोलते हैं स्प्लिट लाइक, वाट्स की तरह, वाट्स विथ हॉर्नी स्पॉट, तो आप देखिए यहाँ पे कि स्किन का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है एंटीमिक्रोड में, बहुत ही ज़्यादा एंटीमिक्रोड में स्किन और एक्सट्रीमिटीज मायने रखता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मोडलिटी की ठीक है, यानी किस किस चीज़ों से एग्रेवेशन होता है और किस किस चीज़ से इसको एमलोरेशन होता है। तो इसको बोलते हैं मोडलिटीज। पहला हम देखते हैं एग्रेवेशन। तो अब कब से तो यही पढ़ते हैं ना, किस किस चीज़ों से एग्रेवेशन है। एग्रेवेशन इसको कोल्ड से है, कोल्ड बाथ, कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, मतलब कैसा भी कोल्ड है इसको बस प्रॉब्लम है। एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड, स्ट्रीम्स ऑफ कोल्ड लिख सकते हैं,
पहला ई एग्रेवेशन। बी में देखती है हीट को, देखते हैं आफ्टर ओवर हीट, आफ्टर ओवर हीटेड, सनबर्न से, और किससे हो सकता है, हॉट वेदर में। हॉट वेदर में देखिए दोस्तों, इसको ना ही ठंड बर्दाश्त हो रहा है ना ही गर्मी बर्दाश्त हो रहा है, जिसकी वजह से ये पेशेंट जो होता है हॉट भी होता है, चिली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे मेडिसिन में ना कि ये मेडिसिन जो है हॉट पेशेंट होता है, इसका मेडिसिन का चिली पेशेंट होता है, ऐसा नहीं है, इसमें हॉट और चिली दोनों हो सकता है, क्योंकि ये ना ठंड बर्दाश्त कर रहा है ना गर्मी बर्दाश्त कर रहा है। सी एग्रेवेशन आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ठीक है, एसिड की वजह से, एसिड्स की वजह से सकता है, विनेगर हो सकता है, वाइन हो सकता है, सावर वाइन, सावर वाइन या बैड वाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो इन सबों के वजह से इसको एग्रेवेशन होता है। अब बात करते हैं एम्यूलरेशन, किन किन चीज़ों से इसको आराम मिलता है। ओपन एयर में ए हो जाएगा, ओपन एयर में खुली हवा में इसको बढ़िया लगता है, आफ्टर वार्म बाथ, ठीक है, यानी कि देखिए ठंडे पानी से नहाने के बाद इसको दोस्तों एग्रेवेशन होता है, लेकिन आफ्टर वार्म वार्म बाथ से, गर्म पानी से नहाने के बाद ये एम्यूलरेशन, मतलब इसका जो कंप्लेन है वो कम होता है, आराम मिलता है पेशेंट को। और तीसरा है दोस्तों ड्यूरिंग रेस्ट, जब ये आराम करता है तो भी इसका जो सारा कंप्लेन है वो कम होने लगता है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको एंटीम क्रूड समझ में आया होगा, और इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, तब जाके आपका एक बेसिक कंसेप्ट बनेगा अबाउट द एंटीम क्रूड।